हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो, लेके आया हूँ मैं एक्सरसाइज 7.6 के। एक बच्चे की दो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं। अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखो, अब हमारे पास ये बड़े जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने बताया था अगर बीच में प्लस है तो लॉगरिथम तो इनमें लेना ही होता है, क्योंकि फंक्शन जो हमारे पास साइन एक्स है उसके ऊपर पावर फिर से एक्स है, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ऐसे सिंपल सोल्व होगा, नहीं तो इसके अंदर लॉगरिथम लेके चलेंगे। तो देखो, अगर इसके अंदर लॉगरिथम लेके चलूं मैं तो क्या आ जाएगा, इसको फंक्शन मान लेंगे क्योंकि दो फंक्शन है बीच में, प्लस का साइन है तो डायरेक्ट लॉगरिथम ले नहीं सकते, तो एक को वाई इक्वल टू में एक को यू मान ले, एक को वी मान लेते हैं। और वेहर यहाँ जो है वो यू तो हमारे पास है साइन और एक्स की पावर एक्स, ये इसका फंक्शन, और v जो है वो हमारे पास क्या है साइन x इसकी पावर x, ये है। तो इसके बाद हम लेके चले हैं तो u को अलग से सोल्व कर लेते हैं, u इज इक्वल टू में फॉर क्वेश्चन हमारे पास साइन x उसकी पावर x, ये वाला है। तो देखो, इसके अंदर लॉगरिथम लेने की जरूरत अभी तक तो है नहीं, क्योंकि साइन और इसके फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है इसकी पावर x की पावर x है, पूरे की पावर अगर x होता, ऐसे होता तो लॉगरिथम डायरेक्ट लेना पड़ता है यहीं पे। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो u du अपॉन में dx, डेरिवेटिव ऑफ u का, जैसे y का करते हैं हम dy अपॉन में dx, लेकिन u अब की बार क्या है यहाँ पे फंक्शन, तो साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है cos, और x की पावर x एज इट इज। देखो हमने किसका किया है साइन का, इसके साथ ये है, अगर साइन के साथ एक्स होता है तो साइन एक्स आ जाता है, लेकिन अब साइन के साथ ये तो ये कोस में बदल गया, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर एक्स का। अब इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो इसको अलग से कोई फंक्शन मान करके इसको वैल्यू सोल्व करके वापिस इसके अंदर पुट कर दें। तो देखो, डी यू अपॉन में डी एक्स, यहां से कोस ऑफ इसकी पावर एक्स की पावर एक्स, डी अपॉन में डी एक्स किसका, यहाँ पे इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको पी मान ले, तो इस पी को सोल्व करेंगे और नेक्स्ट लाइन में इसको डेरिवेटिव इक्वेशन वन मान करके वापस पुट कर देंगे, तो पी इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है एक्स की पावर एक्स। अब देखो फंक्शन के ऊपर पावर क्या है, फंक्शन है, तो हमारे पास क्या लेके चलेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉगरिथम बोथ साइड दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉगरिथम नहीं तो लॉग भी कह सकते हैं, तो लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू में एक लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स, तो लॉगरिथम में पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाएगी, तो एक्स लॉग एक्स, तो लॉग ऑफ पी ये आ गया। अब इसको डेरिवेटिव करें हम, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या वैल्यू है, लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू में लॉग ऑफ इसकी पावर, देखो आगे आ चुकी है और ये वाली बच चुकी है, एक बार दोबारा रिपीट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो फंक्शन लॉगरिथम के साथ जो वैल्यू होती है एक बार तो आगे, तो वन बाय पी, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ किसका, पी का, उसके बाद यू इंटू वी, ये फर्स्ट यू है ये वी है, तो वी यू एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, लॉग ऑफ एक्स का प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स का। अब यहां से सोल्व करें, ये बड़ा पी इसके डिवाइड में उस तरफ जाके, तो डी पी अपॉन में डी एक्स क्या आ जाएगा, ये पी यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक्स, और देखो लॉग ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, वन बाय एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव वन होता है इसलिए आगे नहीं करना, प्लस लॉग ऑफ एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी एक्स वन। तो देखो एक्स, ये एक्स कट जाएगा, तो डी पी अपॉन में डी एक्स क्या जाएगा, पी की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, ये लेके चले थे, तो वापिस यहाँ पुट कर देंगे एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में आप दिखा दोगे कि पी पुट हमने किया है, तो वन प्लस में क्या जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स कट चुका है, वन बच गया और वो लॉग ऑफ एक्स, ब्रैकेट में हम रीजन दिखा देंगे यहाँ पे, क्योंकि p हम क्या लेके चले थे x की पावर x, वापिस हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो अब डी पी अपॉन में डी एक्स, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ डी पी अपॉन में डी एक्स
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वापस रखते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है, तो यहां पे क्या है, डी यू अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में क्या आ जाएगा, कोस ऑफ ये वाली वैल्यू तो एज इट इज चल रही है, कोस ऑफ एक्स की पावर एक्स, और डी पी अपॉन में डी एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। तो इसको हम यहां लिख देते हैं एक्स की पावर एक्स और वन प्लस में लॉग ऑफ एक्स, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो हमने क्या निकाल दिया, डी अपॉन में डी एक्स। अब क्या निकालेंगे, वी, वी को हम सोल्व करते हैं। तो देखो एक बार यहां तक देखो, यू वी को सोल्व करते हैं, यू को देखो एक बार, तो देखो हम वी को सोल्व करते हैं, तो वी को यहां तक आपने नोट कर लिया है, मैं इरेज कर देता हूं एक बार, वी को हम सोल्व करते हैं, तो v इज इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू है कि हमने माना है कि v इज इक्वल टू में है साइन x इसकी पावर x। देखो फंक्शन इसकी पावर x में दे रखी है, तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, यहां पे अब की बार डेरिवेटिव करने से पहले, यहां पे इससे पहले वाले में क्या था, साइन x और साइन के अंदर ये फंक्शन की पावर फंक्शन था, ये वाला साइन x इसके अंदर पावर थी, तो इसलिए हमने पहले साइन का कोस में किया और उसके बाद हमने ये सोल्व किया है। तो यहां से देखो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ अगर लॉगरिथम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, डी लॉग ऑफ वी इज इक्वल टू में लॉग ऑफ साइन एक्स और इसकी पावर एक्स। तो पावर क्या हो जाती है, लॉग के अंदर फार्मूले आपको पता ही होंगे कि लॉगरिथम के अंदर दो तीन फार्मूले हमारे पास है कि लॉग ऑफ एम उसकी पावर एन है, तो क्या आ जाता है, इसकी पावर आगे एन आगे और लॉग ऑफ एम, एक ये है हमारे पास। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये वाला जो है एक्स आगे आ जाएगा और लॉग ऑफ साइन एक्स बच जाएगा और लॉग ऑफ वी। अब डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, तो देखते हैं हम यहां से, यह आ जाएगा लॉग ऑफ वी का वन बाय वी, क्योंकि लॉगरिथम का जो डेरिवेटिव होता है, लॉगरिथम के साथ जो भी वैल्यू होती है जैसे एफ एक्स है, तो एक बार तो क्या हो जाता है, ये आगे आ जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यह आ जाएगा, तो वन बाय वी आगे आ जाएगा, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करें, डी अपॉन में डी एक्स किसका, वी का। यहां से ये वाला फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स का, उसके बाद प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, डी अपॉन में डी एक्स एक्स का। तो ये लिख दिया हमने एक बार, u एज इट इज, x एज इट इज, v का डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज और x का डेरिवेटिव, तो 1 बाय v dv अपॉन में dx, ये v यहां डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। अब x एज इट इज log के साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में, तो 1 बाय में क्या आ जाएगा, sin x। अब देखो यहां पे किसका डेरिवेटिव आया, log का डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किसका करना है, sin x का डेरिवेटिव करना है, तो साइन x का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ साइन x एज इट इज, log ऑफ साइन x एज इट इज, और x का वन होता है इसलिए यहाँ पे ही इसका डेरिवेटिव फिनिश हो गया। अब देखो यहां से डी वी अपॉन में डी एक्स, हमने v किसको मानना था, ये वाली वैल्यू, तो v वापिस यहां पुट कर दे, साइन ऑफ x उसकी पावर x। अब यहां से x और साइन x, और इसका करेंगे साइन एक्स का कितना होता है हमें पता है, कोस एक्स, और प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, यह आ जाएगा ये एज इट इज। अब देखो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी, ये यहां पे बस चेंज क्या हुआ, यहां पे अब चेंज ये होगा कि साइन ऑफ एक्स उसकी पावर एक्स तो एज इट इज, लेकिन यहां पे कोस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा, कोट एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, डी वी अपॉन में डी एक्स, और ये वाली वैल्यू किसकी थी, डी यू अपॉन में डी एक्स की। तो एक बार थोड़ा सा यहां से मैं यहां पे, और ये वाली वैल्यू कराई हमने,
थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, वापस उसी फंक्शन को जो हम लेके चले थे, यहां तक मैं इरेज कर रहा हूं एक बार इसको, अब जिस चीज को हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे हम, कि y इज इक्वल टू में u प्लस v लेके चले थे। इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करें तो dy वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू डी यू अपॉन में डी एक्स, और प्लस डी वी अपॉन में डी एक्स, और वापिस हम क्या कर देंगे डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास ये आई थी, इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू, और दूसरी जो वैल्यू ये आई हमारे पास, इन दोनों को इसके अंदर पुट कर देंगे, वही क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो आप पुट कर लेना और बिल्कुल यही क्या हो जाएगा, प्लस में यही आंसर आ जाएगा कंप्लीट। तो आशा है कि आपको समझ में आगे हो गया, नेक्स्ट पार्ट कराते हैं, एक बार इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है, तो सिक्स्थ पार्ट के अंदर देखो, अब यू ये वाला जो है मल्टीप्लाई के अंदर है, तो मल्टीप्लाई में बताया था अगर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में आती है तो डायरेक्ट लॉगरिथम हम ले सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम लेने पर बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू में लॉग ऑफ किसका, x की पावर x इंटू में साइन इनवर्स x रूट x का। तो देखो अब हमारे पास लॉगरिथम के अंदर क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा कि log ऑफ m इंटू में n है, तो क्या लिख देते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है मल्टीप्लाई में है दो वैल्यू आपस में, और लॉगरिथम लिया है तो एक को हम लिख सकते हैं, अब यहां से लिख सकते हैं log ऑफ x की पावर x ये इंटू में log ऑफ साइन इनवर्स, इंटू में है तो प्लस में आ जाएगा लॉग ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। अब देखो इसके अंदर लॉगरिथम क्यों लिया है, ये यू इंटू वी में था, डायरेक्ट सोल्व क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि फंक्शन पावर है इसके ऊपर एक्स में दे रखे है, तो एक्स में जिसकी भी पावर होती है, पावर के ऊपर जो पावर है फंक्शन होगी, तो वो हमारे पास डायरेक्ट लॉग इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो लॉगरिथम लेकर के ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या कह सकते हैं, इसकी पावर आगे आ जाएगी तो लॉग ऑफ एक्स बच जाएगा। एक ये फार्मूला होता है कि लॉग ऑफ जे एम की पावर एन दे रखी है तो पावर आगे और लॉग ऑफ क्या बच जाएगा एम, ऐसे यहाँ पे क्या है ये पावर आगे आ गई और लॉग ऑफ एक्स बच गया, प्लस में लॉग ऑफ साइन का इनवर्स रूट एक्स, और आगे चल रहा है लॉग वाई। अब डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा, लॉगरिथम का डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, तो लॉग ऑफ जो हमारे पास फंक्शन होता है एक बार तो वन बाय में वो बड़ा फंक्शन, और दोबारा से क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का, याद रहेगा। तो यहां से हम लॉगरिथम का करें तो 1 बाय वाई आगे और दोबारा से डेरिवेटिव ऑफ किसका वाई का, ऐसे यहां पे u इंटू वी लग जाएगा। अब देखो एक ये फंक्शन है तो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका v का log ऑफ x का, प्लस log ऑफ x एज इट इज, और एक तो प्लस में है तो इसका अलग से डेरिवेटिव कर रहे हैं, और डेरिवेटिव ऑफ किसका x का, इसका अलग, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव करेंगे, लॉगरिथम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाय में साइन इनवर्स रूट एक्स, लॉगरिथम का क्या बताया था इसके साथ जो वैल्यू है वो अपॉन में, उसके बाद डेरिवेटिव किसका होगा डी अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स का। अब हमारे पास किसका हुआ है लॉगरिथम का हुआ है, लॉगरिथम के बाद अब साइन इनवर्स रूट एक्स का, तो यहां से देखो ये एज इट इज चलता रहेगा तो एक्स लॉग ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा वन बाय एक्स आ जाएगा, और प्लस लॉग ऑफ एक्स, और इसके साथ क्या है एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा ये एज इट इज। तो यहां से अब यहां पे देखो वन बाय में साइन का इनवर्स रूट एक्स, और साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है पता भी होगा आपको कि साइन इनवर्स एक्स है तो क्या होता है वन बाय में रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का बताया लेकिन इसके साथ क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा वन बाय में
रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट एक्स का भी क्या हो जाएगा स्क्वेयर, इसके साथ जो फंक्शन है उसका क्या होता है स्क्वेयर, लेकिन अब की बार रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वेयर, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका, अब ये किसका हुआ है, पहले लॉग का कर दिया हमने, फिर साइन इनवर्स का कर दिया, अब किसका बच गया, एक्स होता उसका वन होता लेकिन रूट एक्स है इसका दोबारा से डेरिवेटिव। तो यहां तक हमने सॉल्यूशन क्या किया है, x से x कट जाएगा, यहां पे तो बच गया 1 प्लस में log ऑफ x, ये तो इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस में क्या चल रही है वैल्यू 1 बाय में साइन का इनवर्स रूट एक्स ये, और इंटू में 1 बाय में रूट ऑफ 1 माइनस, देखो इसके ऊपर स्क्वेयर है ये रूट हट जाएगा तो x आ जाएगा, और इंटू में इसकी देखो पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से आप पावर है रूट का मतलब इसमें से वन माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो देखो यहां तक हमने सॉल्यूशन किया है, अब मैं ऊपर कर रहा हूं, ऊपर एक बार देख लो, मैं इरेज करूंगा ऊपर वाला पोर्शन, एक बार देखो तो यहां करते हैं जो हमने फार्मूले लिखा है लोग एम इंटू एन, और ये वाले जो फार्मूले लिखा है मैं यहां सोल्व करता हूं इसको, तो आगे इसको सोल्व करें तो देखो आगे क्या दे रखा है, वन बाय वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में, देखो ये वाला तो सोल्व होके वन प्लस में लॉग एक्स बन चुका है, इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट लिख दो कैसे भी, प्लस ये आ जाएगा वन बाय में क्या चल रहा है साइन का इनवर्स रूट एक्स, उसके बाद इंटू में वन बाय में रूट ऑफ वन माइनस एक्स, उसके बाद मल्टीप्लाई वन बाय टू, अब देखो इसकी पावर में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी माइनस का हाफ, यह आ जाएगा ऊपर, तो यहां से वाई जो यहां मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके सॉरी डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और ब्रैकेट यूज करेंगे तो वन प्लस में लॉग एक्स थे एज इट इज, उसके बाद इसको सोल्व करें तो देखो वन बाय में साइन का इनवर्स रूट एक्स इंटू में वन बाय में रूट ऑफ वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई वन बाय टू, इसका भी क्या हो जाएगा माइनस हाफ पावर है तो नीचे आ जाएगी और हाफ के कारण रूट लग जाएगा, तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो उसके बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स, अगर हमें किसकी वाई का मान यहाँ पुट कर देते हैं, वाई का मान पुट कर दें तो वाई का मान हम क्या लेके चले थे ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा वाई की जगह एक्स की पावर एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, ये वाली वैल्यू वापिस रख दी हमने, और ये क्या है वन प्लस में लॉग ऑफ एक्स, ये आ गया प्लस में, अब देखो यहां पे वन बाय में रूट ऑफ साइन एक्स सॉरी साइन इनवर्स रूट एक्स, ये एज इट इज ये वाली वैल्यू देखो वन बाय टू आगे लिख देता हूं। अब देखो हमें ये पता है कि अगर मान लो रूट थ्री दे रखा है और गुणा में रूट टू दे रखा है, तो रूट के अंदर दो वैल्यू आपस में, तो रूट में जो दोनों के ऊपर रूट है तो रूट के अंदर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट का सिक्स आ जाएगा। ऐसे यहां पे अगर देखे हमें एक तो रूट का वन माइनस एक्स है और एक रूट का एक्स है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा रूट के अंदर एक्स और एक्स के गुणा में वन माइनस एक्स, ये आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी वन बाय में, यह आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको डायरेक्ट सोल्व पूरा कर देते हैं, अब इसको सोल्व तो ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स आगे चल रहा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक बार तो इसके साथ गुणा कर दें एक्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स, एक बार तो वन प्लस में लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो वन प्लस लॉग एक्स कहां से बना था, जब हमने इस पहले वाली वैल्यू का लॉगरिथम लेकर इसको सोल्व किया था इसका डेरिवेटिव तो क्या आया है ये आया है, जब हमने इसको सोल्व किया है इसका डेरिवेटिव तो चलता ही जा रहा था, अब यहां आके थोड़ा सा फिनिश हुआ है प्लस एक बार इसकी गुणा इसके साथ कर दें तो x ऑफ x साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करने का हमारा मकसद क्या है वो इस लाइन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स इसके साथ क्या है डिवाइड में है, ये इससे कट जाएगा और अपॉन में टू ऑफ, अब देखो ये आपस में मल्टीप्लाई करे x की मल्टीप्लाई x के साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सॉरी x की 1 के साथ x और x की x के साथ x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में लास्ट लाइन में इसका कंप्लीट आंसर लिखें तो क्या बन जाएगा dy / dx कंप्लीट आंसर, यही इसका कंप्लीट है वैसे तो,
एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम, यही इसका आंसर है। तो इस आंसर को लिखना चाहो तो ऐसे लिख दे सकते हैं हम, कहां लिखें इसके अंदर जगह, ये वाला तो डायरेक्ट यही है, ठीक है, प्लस एक्स की पावर एक्स, ये वाला पोर्शन कट चुका है, और इनटू में ये वाला इसके नीचे यहां लिख देंगे, बस यही कंप्लीट आंसर डिवाइड अपॉन डीएक्स। तो ये था हमारे पास इसका सिक्स्थ पार्ट, एक बार इसको नोट कीजिएगा, और अगर कोई समझ में कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।